दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ ऐसा जिससे उसका नाम हो जाए, लोग उसे पहचानने लगें, लोग उसकी इज्जत करें। और ऐसा करने के लिए हमें अच्छी आदतें भी अपनानी पड़ती हैं, सही तरीके से काम करना पड़ता है। लेकिन इन सही चीजों के साथ साथ हम कुछ गलतियां भी करते हैं, और हमें इन गलतियों पर ध्यान देकर इन गलतियों को सुधारना भी जरूरी है। अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिन्हें सुधारना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा ये गलतियां हमारी सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। और यदि हम इन पर ध्यान ना दें, बस अपने काम को ही करते रहें, तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर चाहे आप दिन रात मेहनत ही क्यों ना कर लें, चाहे कितना भी पसीना बहा लें, लेकिन आप उस सफलता को कभी हासिल नहीं कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें अपने जीवन में नहीं दोहरानी चाहिए, जिन पर ध्यान देकर हमें इन्हें सुधारना चाहिए और हम अपने उस लक्ष्य को हासिल कर सकें जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बालक रहता था जिसकी उम्र करीब 15 साल की थी। वह अपने जीवन में क्या बनना चाहता था, इसके बारे में उसने पहले से ही सोच रखा था। वह चाहता था कि बड़ा होकर वो बहुत कामयाब इंसान बने, बहुत सारे पैसे कमाए और अपने जीवन में ऐश्वर्य आराम हासिल करे, जो कोई कामयाब इंसान अपने जीवन में चाहता है। उसे कामयाब लोगों के बारे में जानना और उनके जीवन के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। जिस तरह से हर एक कामयाब इंसान अपने जीवन की दिनचर्या रखता है, ठीक उसी प्रकार से वो बालक भी नियमित तौर पर अपनी दिनचर्या का पालन करता था। उसे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन वह उस सफलता को अवश्य ही हासिल करेगा, वो उस कामयाबी तक अवश्य ही पहुंचेगा। जब भी वो बालक अपने आसपास किसी ऐसे कामयाब इंसान को देखता था तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था, उनसे बातें करने की कोशिश करता था, उनके बारे में जानने की कोशिश करता था और उनके जैसा बनने की कोशिश करता था। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता रहा, वो बालक अपना काम करता रहा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि पड़े पड़े तो लोहे पर भी जंग लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से वो बालक अब युवा हो चुका था। उसकी उम्र करीब 25 साल की हो चुकी थी और जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी ऊर्जा और अपने लक्ष्य के प्रति उसकी लगन भी अब कम होने लग गई थी। वो युवक अब ये सोच रहा था कि जैसा मैंने सोचा वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया था मैं उन लक्ष्यों तक पहुंच ही नहीं पाया। और अब उस गांव के लोग भी उस युवक से सवाल करने लग गए थे, उसका मजाक बनाने लग गए थे। वो जब भी बाहर जाता तो लोग उससे बस यही पूछते कि क्या करते हो, जो तुमने हमें सपने दिखाए थे क्या वो सपना पूरा हुआ। यहां तक कि उस युवक को अब लोग ताने मारने से भी पीछे नहीं हटते थे। वे कहते थे कि जब मैंने कहा था तब तो तुम बड़ी बड़ी हांक रहे थे, अब क्या हुआ। वो सब की बातें बस चुपचाप सुन लिया करता था, क्योंकि उसके पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा था। धीरे धीरे ऐसा वक्त आ चुका था कि उसका घर से निकलना भी अब उस पर भारी पड़ने लगा था। उस युवक को
अब खुद पर शर्म आने लगी थी। वह खुद को कोसता रहता था। वो सोचता था, जिस लक्ष्य को मैंने पाने की कोशिश की थी उसे तो मैं पा ही नहीं सका। मेरा वह सपना अधूरा रह गया। अगर मैंने थोड़ी सी और कोशिश कर ली होती तो शायद मैं आज कामयाब इंसान बन चुका होता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, लोगों ने सवालों की जैसे झड़ी सी लगा दी हो। वो युवक अब अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था, निराश हो चुका था। उस युवक को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह मन ही मन घुट घुट कर जीने लगा। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहां पर हुई है। उसने ऐसी क्या गलती की है जिस कारण वो अपने जीवन में कामयाब नहीं बन पाया है। कोई तो ऐसा हो जो उसे राह दिखा सके, जो उसे ये बता सके कि आखिर उसने कहां पर गलती की है। उसने इधर उधर हर जगह पर बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसे अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था। एक दिन काफी ज्यादा परेशान होने के बाद उसने तय किया कि वह अपना गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, जहां जाकर वह एक कामयाब इंसान बनने की कोशिश करेगा और इन गांव वालों से भी मेरा पीछा छूट जाएगा। यह सोचकर वो युवक अपने घर से निकल जाता है। उसने अपने साथ थोड़ा सा खाना भी ले लिया, क्योंकि दूसरा गांव इस गांव से काफी दूर था और रास्ते में भूख भी लग जाती है, जिस वजह से वो खाना लेकर निकलता है। पास ही के जंगल के रास्ते से होकर वो दूसरे गांव तक पहुंचने की कोशिश करता है। चलते चलते काफी समय हो चुका था। आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था। वो युवक इतना परेशान था कि उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वह किस रास्ते से जाए। काफी देर तक चलने के बाद उसे चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आ रही थी। चारों तरफ देखने के बाद उसे एक पेड़ नजर आता है। वह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे भूख का एहसास हुआ। उसने खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया, लेकिन वो युवक इतना परेशान था कि उसे यह भी ध्यान नहीं आया कि वह खाना तो लेकर आया है, लेकिन उसने पानी का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया है। उस युवक ने सोचा, चलो अच्छा ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं, फिर जंगल के दूसरी ओर जो नदी है वहां जाकर मैं पानी पी लूंगा। वो युवक उस पेड़ के नीचे से खाना खाकर उठता है और उस नदी की तरफ बढ़ने लगता है। नदी के पास पहुंचकर वह अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर वहीं पर पानी पी रहे एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ती है। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को देखकर काफी प्रसन्न हो जाता है और मन ही मन यह सोचने लगता है कि यदि इन्होंने मेरी मदद कर दी तो मैं अपने जीवन में कामयाबी जरूर हासिल कर सकता हूं। वह युवक दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, क्या आप मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के को देखकर ये समझ जाते हैं कि यह लड़का बहुत परेशान है। लेकिन वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के के मुख से ये जानना चाहते थे कि आखिर उसकी परेशानी की वजह क्या है। वो उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, पहले तुम मुझे अपनी परेशानी तो बताओ। इस पर वो युवक कहता है, हे गुरुवर, ये मत पूछिए कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मैंने सोचा था वैसा मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूं। मैंने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन लक्ष्यों से मैं आज भी कोसों दूर हूं। और जिन गांव वालों को मैंने ये सारी बातें बताई थी वे लोग आज मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझे ताने मारे हैं। यहां तक कि उन लोगों ने
मेरा घर से बाहर निकलना भी दुश्वार कर रखा है, जिस कारण मैं वो गांव छोड़कर दूसरे गांव की तरफ जा रहा हूं, ताकि मैं वहां जाकर अपने जीवन में उन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश कर सकूं, जिन्हें मैंने अपने जीवन में निर्धारित किया था। हे गुरुवर, क्या मेरे जीवन में हमेशा इसी तरह से दुख ही रहेंगे? क्या मैं कभी भी अपनी जिंदगी में सफल इंसान नहीं बन पाऊंगा? उस युवक के मुख से ये सारी बातें सुनकर वो बोध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से तुम अभी दुखी हो और जिसके कारण तुम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाए हो। और ऐसा नहीं है कि ये 5 गलतियां सिर्फ तुमने ही की हैं। लोग अक्सर अपने जीवन में ये 5 गलतियां दोहराते रहते हैं, जिसके कारण कामयाबी उनसे दूर भागती है और वो कभी भी अपने जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। उन गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह युवक बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, वो कौन सी 5 बातें हैं आप मुझे बताइए, मैं अपने जीवन में इन पर ध्यान दूंगा, इन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा और इन्हें कभी भी दोहराऊंगा नहीं। उस युवक की बातें सुनने के बाद वह बोध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, किसी को भी अपने लक्ष्य के बारे में पहले से बता देना, ये तुम्हारी पहली गलती है जो तुमने किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमने ही किया है, ऐसा अधिकतर लोग अपने जीवन में करते हैं। जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल ही नहीं किया, उसके बारे में वो ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि मैं अपने जीवन में ये हासिल करूंगा, अपने जीवन में वो हासिल करूंगा। हम में से अधिकांशतर लोगों के मन में यह होता है कि यदि हम अपने लक्ष्य के बारे में इन्हें पहले से ही बता देंगे तो ये लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारे प्रति अपने नजरिए को सही रखेंगे और ना ही इन लोगों को ये लगेगा कि मैं बेकार हूँ जो व्यर्थ में ही इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। और आपके मित्रों को भी ये अवश्य लगेगा कि हाँ, मेरा मित्र कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसने अपने जीवन में कुछ पहले से ही सोच रखा है। लेकिन यही गलती आप पर सबसे भारी पड़ती है, क्योंकि उन्हें तुम्हारे लक्ष्य से कोई मतलब नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो और तुम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो, उन्हें तो सिर्फ तुम्हारा मजाक बनाना है, तुम्हें नीचा दिखाना है और तुम्हें किसी भी हाल में उस लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देंगे। इसलिए वह किसी न किसी कारणवश ही तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे हौसले को बुरी तरह से बिखेर देते हैं और समय बीतते बीतते धीरे धीरे तुम्हारी वो लगन, तुम्हारी वो हिम्मत, तुम्हारा वो हौसला टूटने लगता है, बिखरने लगता है। तुम जिस ऊर्जा और जिस लगन के साथ पहले उस काम को कर रहे थे, अब तुम्हारे अंदर वो लगन, वो ऊर्जा नहीं रह जाती, वो तुम्हें बहकाने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने उस काम को कभी किया ही नहीं, वो भी तुमसे ये कहते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, इस काम को करना नामुमकिन है, जब मैं ही नहीं कर सका तो तुम भला कैसे कर पाओगे। ऐसे ही कई सारे तीर वो तुम्हारे हौसले, वो तुम्हारी हिम्मत पर दागते रहते हैं, जिस कारण आज नहीं तो कल तुम अपनी मेहनत छोड़ दोगे और अपने उस हौसले को भी खो दोगे। इसलिए सबसे पहली गलती तुम्हारी यही है कि तुमने उन अनजान लोगों के साथ अपने उस लक्ष्य को साझा किया। यदि तुम इसे चुपचाप पाने की कोशिश करो तो अवश्य ही तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। इसलिए ये भी कहा गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। इसलिए अब से इस बात को याद रखना और अपने किसी भी लक्ष्य को किसी भी अनजान व्यक्ति से कभी भी साझा मत करना। बोध भिक्षु उस युवक को दूसरी गलती बताते हुए कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र करीब 25 साल की है और अभी से
तुम आसान रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो तुम कठिन रास्ते अपना सकते हो, क्योंकि आसान रास्ते शुरू में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अंत में ये और भी कठिन हो जाते हैं। वहीं पर कठिन रास्ते शुरुआत में तो जरूर कठिन लगेंगे, लेकिन आगे चलकर इन पर चलना तुम्हारे लिए और भी आसान हो जाएगा। जिस प्रकार यदि किसी बगीचे की सभी घास को निकालना हो तो आसान रास्ता ये होगा कि तुम उस घास को मशीनों के द्वारा काट दो, जिससे वो घास छोटी हो जाएगी लेकिन वो पूरी तरह नष्ट नहीं होगी। वहीं पर यदि तुम उस घास को खुद हाथों से उखाड़ते हो तो इस तरह से वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, तुम्हें थोड़ी तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, लेकिन अंत में जो उसका नतीजा निकलेगा वह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करेगा। इसलिए यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की कामना रखते हैं तो आसान रास्तों की जगह पर कठिन रास्ते अपनाएं, जिससे आपको रास्ते में आने वाली अड़चनों के बारे में सीखने को भी मिलेगा और आप उन्हें पार करते हुए अपनी उस मंजिल तक भी बड़ी आसानी से पहुंच पाएंगे। वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी गलती बताते हुए कहते हैं, कुदरत के नियम को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुदरत के नियम बड़े ही अनोखे होते हैं। उनमें से एक नियम है बदलाव का। यदि तुम अपने जीवन में उन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हो और उसके प्रति तुम पूरी तरह से तत्पर हो, निष्ठावान हो और उसके प्रति तुम वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो, तो कुदरत तुम्हें अवश्य ही एक सफल इंसान बना देगी। अन्यथा यदि तुम केवल हंसी मजाक और लोगों को ताने उलहाने सुनाने में अपना समय व्यतीत कर रहे हो, मजे लेने में समय व्यतीत कर रहे हो, तो कुदरत तुम्हें असफल इंसान बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये असूल कुदरत का है। हम या तो आगे बढ़ें या तो फिर पीछे हटें, या तो हम काम बनाएंगे या तो हम काम बिगाड़ेंगे। यहाँ पर स्थायी होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जिस प्रकार यदि आप एक बीज को जमीन में बोते हैं तो वह बीज आगे चलकर एक पौधा और फिर एक पेड़ में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वो कभी भी वो बीज नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य के पीछे हैं, किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको भी उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से तत्पर होना होगा। आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए उस लक्ष्य के काबिल होना होगा। जब तक हम उस लक्ष्य के काबिल नहीं बन पाते हैं, तब तक हम कभी भी उस लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। अक्सर ही हम ये गलतियां करते हैं कि यदि हमें किसी ऐसे लक्ष्य को हासिल करना है जिसके बारे में हमें काफी कुछ सीखना पड़े, तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया है, अब हम भला सीख के क्या ही करेंगे, और हम उसे ऐसे ही पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहीं पर एक और गलती करते हैं। यदि हम उस लक्ष्य के काबिल नहीं बन पाएंगे तो भला वो लक्ष्य हमें कैसे मिलेगा। इसलिए अपने अंदर वो बदलाव लाने भी जरूरी है। चौथी गलती बताते हुए बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी ये दर्शाती है कि तुम उस लक्ष्य के काबिल नहीं हो। केवल सफलता पे सफलता हासिल किए जाना ये एक कैंसर की तरह गलत सोच है, ये चारों ओर फैली है। सही मायने में सफलता को हासिल करने के लिए सकारात्मक होना जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं बल्कि नियमों के पालन से मिलती है, इसलिए तुम्हें नियमित तौर पर निरंतर काम करते रहना आवश्यक है। जब तुम्हें नियमित तौर पर काम करने की जरूरत थी तब तुम उसे छोड़कर भाग रहे हो। आज तुमने अपना गांव छोड़ा है, कल तुम ये शहर भी छोड़ सकते हो। जो कोशिश तुम्हें करनी चाहिए उस कोशिश को छोड़कर तुम भाग रहे हो। आज जो गांव वाले तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, तुम्हें ताने मारे हैं, कल को यदि तुम सफल भी बन जाओ तो क्या वो तुम पर यकीन करेंगे। वो तो यही कहेंगे कि तुमने कुछ ना कुछ गलत काम अवश्य किया होगा।
जिस कारण तुम धनवान बने हो, फिर तुम किस किस का मुंह पकड़ते फिरोगे। इसलिए लोगों की बातों से परेशान ना हो, बल्कि नगर वापिस जाओ और लगातार निरंतर ही अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करो। प्रयास करने से मत डरो, बल्कि ये प्रयास ही हैं जो तुम्हें आगे चलकर सफल बनाएंगे। मुश्किल हालातों पर काबू करना हमें मुश्किल अवश्य ही लगता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, और ऐसी स्थितियों में भागना ही सबसे आसान तरीका नजर आता है। और यह बात नौकरी और रिश्तों पर भी लागू होती है। जीतने वाले भले ही चोट खा जाएं, लेकिन वो कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं। जिंदगी में चाहे ठोकर कितनी भी लगे, हम चाहे कितनी बार भी गिरे, इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हो गए हैं। ज्यादातर लोग जानकारी और प्रतिभा की कमी की वजह से कोशिश करना बंद कर देते हैं और उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए खुद पर विश्वास करो, निरंतर अभ्यास करो, निरंतर प्रयास करो, आत्मविश्वास दिखाओ और फिर तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को पांचवी गलती बताते हुए कहते हैं, तुमने अपनी पिछली गलतियों से अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आज तक जो भी मुमकिन कोशिशें की हैं, जो भी प्रयास किए हैं, जिनमें तुम्हें असफलता प्राप्त हुई है, उसमें तुम्हें कुछ न कुछ तो सीखने को अवश्य ही मिला होगा। क्या तुमने उन गलतियों से कुछ सीखने की कोशिश की है? उनसे सीखने की कोशिश करो, उन गलतियों को वापस मत दोहराओ। यदि तुम ये गलती करते हो तो इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया वह नष्ट हो गए हैं। यदि तुम सकारात्मक नजरिया अपनाते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो, तो असफलता का सफर अंत होना तय है, क्योंकि अपनी ही गलतियों से हमें तजुर्बा हासिल होता है। कुछ लोग अपने जीवन में सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग बस जीवन जीते हैं। अकलमंद इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं, पर अधिक अकलमंद इंसान अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। यदि हम केवल अपनी गलतियों से सीखते जाएंगे तो हमारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए दूसरों की गलतियों से भी सीखना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान जितना अर्जित करोगे उतना ही ये तुम्हें फायदा देगा। इसलिए कभी भी गलतियों से डरो मत, उसे सुधारने की और उससे सीखने की कोशिश करते रहो। अंत में वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मैंने तुम्हें वो पांच गलतियां बता दी हैं जो तुमने अपने जीवन में की हैं। इन्हें तुम सुधार लो, फिर तुम अपने जीवन में उस सफलता को अवश्य ही हासिल कर सकोगे। ये कहकर वो बौद्ध भिक्षु अपने रास्ते चल पड़े और वो युवक भी उन्हें प्रणाम करके अपने गाँव की ओर वापिस लौट आया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।